दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे डाकिनी साधना, एक रात की साधना के बारे में, और भेजने वाले हैं अभिषेक। तो उसके साथ ही साथ बात करेंगे एक अनुभव के भी बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाकिनी साधना के बारे में इन्होंने क्या बताया है और ये एक रात की किस तरह की साधना है और इसका क्या क्या प्रभाव है, चलिए इनके पत्र को पढ़ते हैं। डाकिनी साधना, एक रात की साधना। धर्म रहस्य चैनल को नमस्कार तथा गुरु जी को चरण स्पर्श। गुरु जी, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और मेरा घर यूपी के ही गांव में है। गुरु जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं ये पहला अनुभव आपको भेज रहा हूँ। गुरु जी, मेरा गांव बहुत ही पुराने ज़माने से तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है और मेरे गाँव में अलग अलग प्रकार की साधनाएँ चलती ही रहती हैं। मैं खुद एक साधक हूं और बचपन से ही मुझे तंत्र में रुचि है और आज मैं आपको बहुत ही सरल तथा प्रभावशाली डाकिनी की साधना भेज रहा हूं। ये साधना एक रात में सिद्ध होती है तथा ये साधना बहुत ही गोपनीय है। गुरुजी, हमारे गुरु एक बहुत ही बड़े साधक हैं तथा हमारी हर साधना में वो सहायता भी करते हैं। ये साधना उन्हीं ने मुझे बताई थी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। यह साधना बड़ी ही सरल है। इसके द्वारा डाकिनी सिद्ध होकर उससे जो कार्य करने को कहा जाए वो पूरा करती है। गुरुजी, आप चाहे तो इसका वीडियो भी बना सकते हैं। विधि इस प्रकार से है, किसी भी ग्रहण की रात्रि में शुद्ध पवित्र भूमि को गोबर से लीपकर तथा चौका लगाकर घी का दीपक जलाकर एक पैर पर खड़े होकर शुद्ध मन से 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करने से डाकिनी दर्शन देती है। उसे देखकर भयभीत नहीं हो, उसका पूजन कर नैवेद्य अर्पित करें तथा आरती उतारें, फिर उससे अपनी इच्छा को प्रकट करें। मंत्र इस प्रकार से है, नमो चढ़ो चढ़ो सूखा धरती चढ़ाया, कुण कुण वीर हनुमंत वीर, चढ़ैया धरती चढ़ पग पात चढ़ो, गोंडा चढ़ी जाग चढ़ी, कटि कटि पेट चढ़ी, पेट सू धरणी सू पांसली चढ़ी, पांसली सू हिया चढ़ी, हिया सो छाती चढ़ी, खवा चढ़ी खब सो कंठ सो मुख चढ़ी, आँख सो ललाट चढ़ी, ललाट सो शीस चढ़ी, शीस सो कपाल चढ़ी, कपाल सो चोटी चढ़ी, हनुमान नरसिंह चले वीर, समदवीर दीठ वीर, आज्ञा पीर सो संतावीर चढ़े। तो इस प्रकार से इन्होंने साधना और इसके बारे में बताया है। हालांकि इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने जो कुछ बताया है, अगर तांत्रिक लोग हैं तो वो उसको चेक करके देख सकते हैं कि कितनी सच्चाई है इस साधना में। और एक दिन की साधना इन्होंने बताई है और मैंने इस पर वीडियो भी बना लिया है, तो अगर कोई इसको चेक करना चाहे तो चेक करके देख सकता है। हालांकि अभी इस तरह की साधनाओं के बारे में मेरा जो है अभी जानकारी नहीं है मुझे इस वाली साधना के बारे में कि जो साधना इन्होंने बताई है, क्योंकि इसमें मंत्र भी कहीं डाकिनी के शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है गोपनीय विद्या है तो हो सकता है सत्य हो, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक अनुभव लेके दे रहा हूँ और ये अनुभव है मोनू का, महाराष्ट्र से इन्होंने भेजा है, तो उसको भी देख लेते हैं उनके पत्र को पढ़ते हुए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मोनू है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं BCA का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। गुरुजी, मैं अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी, ये बात तब की है जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। मैंने गुरुजी रात को एक सपना देखा कि हमारे स्कूल के 10वीं क्लास के एक भैया थे, वो गाड़ी चला रहे थे रात के समय और स्टर्निंग भी कर रहे थे, और रास्ते के बीच में एक पठार आ गया और वो गिर गए। जागे पर ही मर वहाँ पे वो मर गए और वो जगह एक जंगल था। गुरुजी, मैंने रात को उस सपने में उठना ध्यान नहीं दिया। सुबह स्कूल में वो भैया घर वाले आए थे बताने कि वो भैया का एक्सीडेंट हो गया है कल रात में। मैं सुनकर डर गया। गुरुजी, मैंने त्राटक शुरू किया कुछ मंथ से। मैंने गुरुजी बिंदु कैंडल त्राटक किया। गुरुजी, जब मैं कैंडल त्राटक के उसके एक दिन बाद मैं खाना खा के सो गया रात को, तो मेरे को मेरी रूम में एक अलग से एनर्जी मिसयूज हो रही महसूस हुई।
एक अलग से ही राहत है। रूम में कोई ऐसा लग रहा था कि सुबह कैसी डेथ होने वाली है। मैंने मेरे भाई के रूम में जाके बताया तो वो हंसने लगा। फिर मैं सुबह 7 बजे अपने रूम में जाके सोने की कोशिश करने लगा तो मेरे पापा आए और बोलने लगे कि मामा के बेटे की डेथ हो गई है। मैं और मेरे भाई सुनकर शॉक हो गए। गुरुजी, मैं त्राटक रोज कर रहा हूँ। पहले गुरुजी, मैं 5 मिनट तक त्राटक करता था, अब त्राटक का वक्त धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ। गुरुजी, मैं इन चीज़ों को नोटिस किया कि जो भी मेरे आँखों में अगर देखे तो एक तो वो आँखें फेर लेता है या फिर कुछ देर तक मेरे आँखों में देखता रहता है। और गुरुजी, पहले से ज़्यादा अब लग जो है अट्रैक्शन होने लगा है मेरे तरफ। गुरुजी, मैंने त्राटक के साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, पर मेरे घर में हनुमान जी की बड़ी फोटो नहीं थी। तो गुरुजी, मैंने एक बार सपने में देखा कि मेरे रूम में मैं एक बड़ी हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है और रात को मैं पूजा कर रहा हूँ। गुरुजी, मैंने सुबह ही जाके हनुमान जी की फ़ोटो लाया और रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दी। पर कुछ वक्त बाद शाम को मेरी ट्यूशन होने के कारण मैंने चालीसा पाठ बंद कर दिया, लेकिन टाइम नहीं मिलता था तो मैं रात को खाना खाने के बाद 12 बजे के करीब चालीसा को पढ़ने लगा। पहले तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, पर दूसरे रात को चालीसा का पाठ करने के बाद मेरे रूम में सो गया था तो मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही है। तो मैंने आँख खोल के देखा तो मेरे ऊपर एक डरावनी सी एक लेडी बैठी हुई थी जो मुझे घूरे जा रही थी। मैं बहुत डर गया और मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहे थे। फिर मैं जैसे तैसे अपने हाथ पांव पूरे जोर से हिलाया, फिर वो गायब हो गई। उसकी दूसरी रात में हनुमान चालीसा के पाठ करके सो गया तो मैंने सपने में देखा कि मैं अपने दोस्त के घर रात को आ रहा हूँ। आसमां में देखा तो फुल मून था। मैं अपने कॉलोनी के गेट के पास आया तो देखा कि एक आदमी और एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है गेट के सामने ही। मैंने थोड़ी दूर खड़े होकर बोला कि अंकल, बाजू में बैठ के गेट के सामने मत बैठो। वो आदमी मेरे पास आया, एक मकड़ी जैसी बैठ के चलते चलते आया और पूरा काला था वो। बोला मेरे को बोला कि मैं तेरी वजह से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तू रात को कर रहा था उसके बंद कर दे, और डर के तुरंत नींद से उठ गया। मतलब इस प्रकार से उस मकड़ी की तरह बन के व्यक्ति ने आकर के इनको दिखाया, यानी कि वो भूत का स्वरूप था। गुरुजी, एक बार मैंने रात को खाना खा के सो गया और मैंने फिर से महसूस किया कि मेरे शरीर वापस से जकड़ना शुरू हो गया है। मैं उस दिन ज़मीन पर चिता एक चटाई डाल के सो गया था। गुरुजी, मैंने रात में पानी पीने के लिए उठ के कोशिश की तो मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी। मैंने आँख खोल कर देखा तो मुझे दिखा कि एक कुत्ते की हाइट का एक अजीब कुछ सा था जो बाजू में बैठा था, मुझे घूरे जा रहा था। वो हल्का सा जला हुआ सा दिख रहा था, वो क्लियर नहीं था। मुझे हल्के हल्के धीरे धीरे देख रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि उस दिन मेरी जान जाएगी। मैंने आंखें बंद करके अपना मन शांत कर मन में ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि रूम में पर्दा हिलने लगा, जैसे कोई भाग के गया और मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई थी। क्वेश्चन गुरुजी ये है कि जब भी मैं रात को हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तब वो लोग कौन हैं, वो डरावनी लेडी और काला इंसान और वो छोटा शैतान जैसा कौन सा था जो मेरे हनुमान चालीसा के पढ़ने के बाद भागा था? प्लीज़ गुरुजी बताएं। लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, अगर आप मेरा इस अनुभव पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। प्लीज़ गुरुजी, मेरा नाम ईमेल और नंबर शो मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स मेरी पूजा पाठ का मजाक बनाए। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान। नंबर वगैरह दिया है वो मैंने हटा दिया है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, साथ ही साथ हनुमान जी की साधना जब करते हैं तो भूत प्रेतों से तो सामना होता ही। सिद्धियाँ शक्तियाँ रोकने की कोशिश करती हैं कि हनुमान जी की साधना व्यक्ति ना करे, इसलिए ऐसा होता वो अनुभव होता है। और इसी तरह की जब जब साधनाओं से मंत्र जागृत होता है तो उनसे जो सिद्धियाँ प्रकट होती हैं उसकी वजह से ही भविष्य दर्शन की भी कई बार उम्मीद, आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि भविष्य दर्शन मुझे हो रहा है। तो भविष्य दर्शन में जो सच्चाई आपको नजर आती है उसकी वजह से कभी कभी बार कई तरह के चमत्कार देखने में मिलते हैं। इसके कारण से आप आज अलग अलग तरह के अनुभव कर पाते हैं। एक और अनुभव है, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। ये गायत्री मंत्र का है जिसकी वजह से इनके सिर में भयंकर दर्द हुआ है, वो भी दे लेता हूँ। तो ये संजना जी का है।
तो उसको पढ़ लेते हैं। मेरा नाम संजना है, मैं ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर में पूरी श्रद्धा और भक्ति है। आज से 3 महीने पहले यानी कि नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में मैंने गायत्री मंत्र के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। इससे प्रभावित होकर मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जाप करते हुए लगभग 28 दिन बीते होंगे कि मुझे कुछ अनुभव होने लगे, ध्यान में विचित्र दृश्यों का दिखना इत्यादि। ये दृश्य रंगों के विचित्र आकृतियों का मिश्रण था। 3 दिनों तक मुझे ध्यान में इस तरह के दृश्य दिखे। चौथे दिन सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और बॉडी में बिल्कुल आग की तरह तपने लगी। मुझे मेरे कानों में कोई बिल्कुल गर्म लिक्विड रिसता हुआ सा जान पड़ा, और वहाँ पर रहता तो कुछ भी नहीं था। मैं डर के मारे मंत्र का जाप बंद ही कर दिया और ध्यान लगाना भी, लेकिन मैंने कुछ ही दिनों पहले फिर से 3 से 4 मिनट का ध्यान लगाना शुरू किया। 3 से 4 दिनों के बाद मुझे फिर से रंग बिरंगी आकृतियाँ दिखने लगी और सिर में दर्द होने लगा। मैंने ध्यान लगाना बंद कर दिया। क्या ध्यान लगाना मुझे नुकसान हो रहा है? क्या मुझे ध्यान लगाना छोड़ देना चाहिए? प्लीज़ सेलेक्ट माई ईमेल एंड टेल मी अबाउट ऑल ऑफ दीज, थैंक यू। तो देखिए संजना जी, यहाँ पर आप जो बता रही हैं कि पहली बात तो आपने इंटरनेट से गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली, मतलब एक प्रकार से इंटरनेट को ही गुरु बना लिए, तो इंटरनेट तो गुरु है नहीं। इसके लिए आपको किसी विशेष गुरु से इसके मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र का उच्चारण आप किस तरह कर रहे हो ये गुरु बताएगा। जब दृश्य वगैरह दिखेंगे तो आपको क्या करना चाहिए ये भी गुरु बताएगा। इसके अलावा जो ये चीज़ें हो रही हैं ये स्वाभाविक रूप से होती हैं, लेकिन समस्या तब होती है पैदा जब हम बिना गुरु के साधना करने लगते हैं, तो हम पता नहीं होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं और करते कुछ और हैं। ध्यान में आप आंखें कितनी खोलती हैं, कितना तेजी से ध्यान लगाती हैं, ध्यान में आपका मन कहाँ रहता है, आप क्या करते हो, ये सब चीज़ें बहुत सारी काउंट होती है। तो इसलिए जो गायत्री मंत्र की भी साधना अगर आप करें, हालांकि सात्विक साधना है, फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु को कर लेना चाहिए। वो बताएंगे आपको कि ध्यान लगाना है तो किस तरह से लगाना है। पहली बात तो ध्यान शुरुआत में ही नहीं लगाना शुरू करना चाहिए, ध्यान बहुत ही निम्न स्तर पर, बहुत ही कम स्तर पर शुरुआत में करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जब आपका अभ्यस्त उसमें हो जाए। तो पहले तो गुरु मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए जाप के द्वारा। उस वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मुझे ध्यान भी लगाना है। आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, आगे लगाते हैं। ये तो ध्यान अगली प्रक्रिया होती है। इस तरह से करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। और रही बात, निश्चित रूप से देख के यही लग रहा है कि आप ध्यान तो लगा रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलत तरीके से लगा रही हैं, इस वजह से आपके साथ ये समस्या हो रही है, वरना ऐसी समस्या होती नहीं है। क्योंकि सात्विक मंत्रों का प्रभाव कभी गलत नहीं पड़ता है, यानी ध्यान लगाने की जो आप प्रक्रिया कर रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सुन करके आपने उपासना शुरू कर दी। उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान लगाने के बारे में सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है, उसके भी कई सारे चरण होते हैं, उसके लिए भी जानना होता है कि किस तरह से ध्यान लगाया जाए। तो ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत जान लीजिए ध्यान के बारे में। गुरु मंत्र कर लीजिए, गायत्री मंत्र का अगर जाप करती हैं तो गुरु जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उसी गुरु को कीजिए और उनसे दीक्षा लेकर के आप आगे बढ़िए, तो आपको इस तरह की समस्याएँ नहीं आएंगी। तो ये थे आज के 2 अनुभव और साथ साथ डाकनी विद्या के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।